पुष्कर सरोवर के जयपुर घाट के सामने बनी होटल पुष्कर इनमें अवैध निर्माण का मामला एक बार फिर गर्मा गया। मंगलवार को तहसीलदार गजराज सिंह ने जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार होटल मालिक को पाबंद कर किए जा रहे निर्माण को रुकवा दिया। तहसीलदार गजराज सिंह ने बताया कि पूर्व में भी इस होटल में बिना स्वीकृति निर्माण कराया जा रहा था, जिसको रोका गया था, लेकिन पाबंदी के बावजूद इस स्थान पर फिर से निर्माण के लिए खड्डा खोद कर कार्य शुरू कर दिया गया। मामला सामने आते ही मंगलवार को तहसीलदार और पालिका के अतिक्रमण प्रभारी फतेह सिंह गौड़ ने मौका मुआयना कर रिपोर्ट तैयार की। वहीं होटल मालिक और पार्षद जयनारायण दग्दी ने बताया कि उनके होटल सरोवर से 100 मीटर की सीमा में नहीं है, फिर भी बार बार उन्हें परेशान किया जा रहा है। दग्दी ने बताया कि उनका मानचित्र भी स्वीकृत है और किसी तरह के निर्माण पर कोई पाबंदी नहीं है। मेरे पर कोई पाबंदी है नहीं और जो निर्माण कोई ऐसा हो रहा नहीं है, टूट फूट का काम करवा रहा हूं मैं मेरे हक में। बहरहाल यह मामला उलझता नजर आ रहा है, क्योंकि एक और जहां तहसीलदार अवैध निर्माण पर पाबंदी बता रहे हैं, वहीं पार्षद दगदी किसी भी प्रकार के निर्माण और पाबंदी से इनकार कर रहे हैं। अवैध निर्माण की कुछ ऐसी ही तस्वीर मंगलवार को हाई लेवल ब्रिज के ठीक पास में भी देखने को मिली, जहां बिना अनुमति और नो कंस्ट्रक्शन जोन में धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहा था। यहां करीब एक बीघा भूभाग पर तारबंदी के खंभे और पक्का निर्माण चलता देख लोगों ने प्रशासन और पालिका को इसकी सूचना दी। सूचना पर तहसीलदार गजराज सिंह अपने अन्य कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने वहां चल रहे पक्के निर्माण को बंद कराकर तगारी फावड़े जब्त कर लिए, साथ ही भविष्य में बिना अनुमति निर्माण नहीं करने के लिए कथित खातेदार को पाबंद कर दिया। इस दौरान पालिका के सफाई निरीक्षक फतेह सिंह गौड़ भी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक कार्रवाई हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि यह जमीन दीपक कुमार की खातेदारी भूमि है। ये जो नए निर्माण चल रहे हैं उनके हम जब भी हमें सूचना जैसी भी जानकारी मिलती है आतोआत उनको बंद करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं जब्ती की। ये तो करीब एक बीघा जमीन है जिसमें तारबंदी की हुई है, निर्माण तो इन्होंने एक टैंक बनाया ही है और कुछ भी नहीं किया।